मेष पॉजिटिव। इस राशि के कुछ लोग भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी धंधे में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। गोचर कुंडली के लाभ भाव में चंद्रमा के कारण आपको फायदा होगा। सेविंग बढ़ेगी। नए इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी जुटाएंगे। नए निवेश करने का विचार भी बनाएंगे। जरूरी काम आज ही निपटाएंगे। आप जरूरत से ज्यादा भावुक हो सकते हैं। सोचे हुए कामों में सफलता मिल सकती है। आसपास का वातावरण सुखद रहेगा। आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। घूमने फिरने जाने का विचार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। माता पिता का आशीर्वाद ले। सेहत भी अच्छी रहेगी। आपका आकर्षण बढ़ सकता है। नेगेटिव, आज आप थोड़ी सुस्ती महसूस कर सकते हैं। इससे कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। कुछ मामलों में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। नई नौकरी का माहौल आपको ज्यादा रास नहीं आएगा। किसी अनजाने डर के कारण कोई खास फैसला करने में भी परेशानी हो सकती है। आपकी वजह से आसपास के लोग परेशान भी रहेंगे। क्या करें, हरा रेशमी धागा कलाई पर बांधे। लव जीवन साथी से दिल की बात कहें। आपका साथी आपकी किसी भी बात के लिए तुरंत सहमत हो जाएगा। पार्टनर से कोई बात मनवाना आपके लिए आसान रहेगा। करियर कार्य क्षेत्र और बिजनेस से जुड़े साथियों से सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन शुभ रहेगा। सहयोग मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे। हेल्थ, पेट के रोग होने के योग हैं। ध्यान रखें। वृश्चिक पॉजिटिव। लोगों की मदद और सेवा करेंगे। कामकाज ज्यादा रहेगा। परिणाम आपको मिल जाएंगे। गोचर कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा होने से आपके लिए शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है। एक्स्ट्रा इनकम के योग हैं। पुराने निवेश से फायदा होगा। नियम कानून और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहेंगे। आपका मन बहुत साफ रहेगा। सही योजना बनाएंगे और सही दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने कुछ पुराने और अच्छे दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप सफल हो जाएंगे। आप बहुत उदार रहेंगे। दूसरों की सहायता समझौता करने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। नए काम शुरू हो सकते हैं। नेगेटिव, आज आसपास और साथ के लोगों के काम निपटाने में आपके खास काम भी अधूरे हो सकते हैं। कुछ काम योजनाओं के अनुसार नहीं होने से मूड ऑफ हो सकता है। आप पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा रहेगी। कठोर भाषा का प्रयोग ना करें। खुद पर नियंत्रण रखें। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। क्या करें, बादाम का तेल यूज करें। लव, अविवाहित लोग जो प्यार का इजहार करना चाहते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। दिल की बात कह दें। बस वाणी पर संयम रखें और पार्टनर के साथ व्यवहार सावधानी से करें। करियर कार्य क्षेत्र में अचानक विवाद के योग है। सावधान रहें। कोई पुराना कागज या फाइल आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। स्टूडेंट्स को पहले तो तनाव होगा, लेकिन उसके बाद मिली सफलता उन्हें खुश कर देगी। हेल्थ, आज छोटी मोटी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती है। मिथुन पॉजिटिव। आपका पूरा ध्यान पैसों के मामलों पर रहेगा। आसपास के लोगों को प्रभावित करने में आप सफल हो सकते हैं। पुरानी समस्याओं का कोई नया समाधान भी मिलने की संभावना है। अचानक पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके सामने आ सकते हैं। रहस्यमय और गुप्त विद्याओं को जानने की उत्सुकता रहेगी। धार्मिक कामों में मन लगेगा। संतान से भी सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। नेगेटिव, किस्मत के घर में ग्रहण योग बनने से कुछ मामलों में आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। फालतू बात पर भी गुस्सा आ सकता है। इससे आपके कुछ काम बिगड़ने की संभावना है। खर्चे, आमदनी और देनदारियों पर नए सिरे से विचार करें। करियर को लेकर मन में चिंता रहेगी। आपको उन पर विचार करना होगा। लोगों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी रखें। ध्यान कहीं और रहा तो आप कोई खास बात सुनने से भी चूक सकते हैं। कोई रिस्की काम करने की कोशिश ना करें। एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश ना करें। परेशान हो सकते हैं।
क्या करें, काले कपड़े में जो रख कर दान करें। लव, आप कुछ ज्यादा ही संवेदनशील रहेंगे, जरा सी बात भी आपको परेशान कर सकती है। पार्टनर के साथ समय आसानी से बीतेगा, दोनों तरफ से वादे किए जाएंगे, करियर पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा फैसला लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई में रुकावटें भी आ सकती हैं, हेल्थ सेहत में सुधार हो सकता है, गंभीर रोगों से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कर्क, पॉजिटिव, कोई आपको अपनी गोपनीय बात बता सकता है, उसे दबा कर ही रखना होगा। जीवन साथी या किसी और बेहद करीबी व्यक्ति के साथ लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। बिगड़े रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करेंगे तो सफल हो सकते हैं। पुराने किसी निवेश या अच्छे काम पर विचार करें, आज आप फालतू खर्चा कम करने की कोशिश करेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। नेगेटिव, आपके सामने नई चुनौतियां आ सकती है, चोट या दुर्घटना की भी संभावना है, संभल कर रहे, मन में किसी तरह का शक रहेगा। फालतू लोगों और ऐसे ही कामों में आपका समय खराब हो सकता है, एक तरफा सोच के कारण आप परेशान हो सकते हैं। खुद को धोखा देने से बचें और झूठे गर्व से भी दूर रहें, सोच समझ कर बोले, वरना कुछ लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं, इनसे आपको परेशानी हो सकती है। सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। क्या करें, जनेऊ जोड़ा और केला विष्णु मंदिर में दान दे। लव लाइफ के संबंध में बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जो भी फैसला लेंगे वह आसानी से बदल नहीं सकेगा, यह ध्यान रखें। करियर, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं, कोई नया काम शुरू ना करें, किसी को उधार पैसा ना दें। स्टूडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिलेगी, आज आप सफल भी हो जाएंगे। हेल्थ, अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें, कोई पुराना रोग आपको फिर परेशान कर सकता है। सिंह, पॉजिटिव, किसी बड़े सौदे की तैयारी हो सकती है, रोजमर्रा का बहुत सारा काम आज कर लेंगे, छोटे और सरल कामों से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा सफलता मिल जाएगी। कुछ लोगों से आपको पूरा समर्थन मिल सकता है, लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, कोशिशों के लिए आपको पुरस्कार मिल सकता है। अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे, प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी। नेगेटिव, कुछ लोग आपके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं, पुरानी बातों और पुराने मामलों में आज आप उलझ सकते हैं, सावधान रहें, खुद को संभालें। आपको कुछ अनचाहे काम या ऐसे ही फैसले लेने पड़ सकते हैं, रोजमर्रा के कुछ जरूरी काम भी अधूरे रह सकते हैं। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर विवाद की संभावना है, नौकरी या बिजनेस में कोई अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। क्या करें, हनुमान जी के दर्शन करें। लव, किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो ना दें। शादीशुदा लोगों का पूरा ध्यान अपने संबंधों को सुधारने में रहेगा, अविवाहित लोग लव लाइफ में तालमेल बैठाने की कोशिश कर सकते हैं। करियर, अधिकारियों से मदद मिल सकती है, नए व्यापारिक संबंध भी बनेंगे। स्टूडेंट्स को मेहनत के बावजूद कम परिणाम मिल पाएंगे। हेल्थ, जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, सावधान रहे। कन्या, पॉजिटिव, खुले मन और ईमानदारी से काम करें, अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस से आप आगे बढ़ेंगे, दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। आज आपके सामने रिश्तों और पार्टनरशिप के कुछ मामले बहुत खास रहेंगे, समझदारी से काम लें, इन्हीं संबंधों के दम पर आज आपको काफी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी तनावपूर्ण रिश्ते को आज आप सुलझाने की कोशिश करेंगे, न्यायालयीन मामलों में सफलता मिल सकती है, मनोरंजन के कुछ मौके अचानक मिलेंगे। नेगेटिव, अधिकारियों से भस हो सकती है, गुस्से में किसी से कुछ ना बोले, चुप रहने की कोशिश करें, पुरानी समस्याएं भी उलझ सकती हैं, किसी भी मामले में रिस्क ना लें, जरूरी कामों में जल्दबाजी ना करें, दबाव में काम करना पड़ सकता है, वाहनों से सावधान रहना होगा। कन्या राशि के लोग परिणामों से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्या करें, अपोजिट जेंडर वाले को फ्रूट जूस पिलाएं। लव, किसी को शादी के लिए ऑफर कर रहे हैं तो आज रुक जाएं, जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं है। करियर, कार्यक्षेत्र में परेशान भी हो सकते हैं,
किसी को उधार पैसा ना दे। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिलने के योग है। हेल्थ मानसिक तनाव रहेगा, आज आप सावधान रहे। तुला, पांच जटिल भाइयों और दोस्तों से सहयोग मिलेगा। ऑफिस और परिवार में कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं। आज आपके सामने कुछ नए मौके आ सकते हैं जिनसे आपको फायदा हो सकता है। अपने महत्व के विषयों पर ध्यान दें। दूसरों के लिए कुछ त्याग भी आपको करना होगा। हर स्थिति में विनम्र रहना होगा। रोजमर्रा के कामों में फायदा हो सकता है, कोई इस बारे में पूछ सकता है। आपके कामों से सभी प्रसन्न रहेंगे। नेगेटिव, संतान संबंधी मामलों में टेंशन हो सकती है। कोई अधिकारी या परिवार का बुजुर्ग आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। कोई आपकी योजनाएं बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकता है। कुछ मामलों को लेकर मन में कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल रहेगा। घर से ऑफिस आने जाने में समस्या महसूस हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। क्या करें, गणेश मंदिर में मिठाई चढ़ाएं। लव पार्टनर आपकी हर बात समझेगा और आपसे सलाह भी लेगा। प्यार के लिए समय मिलेगा। लव लाइफ में किसी बात को लेकर विवाद होने के योग बन रहे हैं। पार्टनर का मूड भी अचानक खराब हो सकता है। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में अचानक कोई योजना बदल सकती है, सावधान रहे। पढ़ाई का दबाव रहेगा, आप कोशिश भी करेंगे लेकिन मन भटकेगा और आप आलस्य के कारण परेशान हो सकते हैं। एकाग्र होने की कोशिश करें, आप कोई चीज कहीं रख कर भूल भी सकते हैं। हेल्थ, सिर और बदन दर्द से परेशानी हो सकती है। कोई पुराना रोग भी रहेगा। वृश्चिक, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। परिवार और संतान को समय देना होगा। विषम परिस्थितियों से आप प्रभावित हो सकते हैं। आपको सही समय पर मदद मिल जाएगी। कुछ गोपनीय बातें भी आपको पता चल सकती है। ऑफिस में दूसरों के विवादों का निपटारा भी आपको करना होगा। आपका रवैया और सोच सकारात्मक हो सकती है। नेगेटिव, किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें। किस्मत का साथ कम ही मिल पाएगा। जोखिम लेने से बचें। संवेदनशील मामलों को गुप्त रखने की कोशिश करें। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, सावधान रहे। नौकरी में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। घर परिवार की भी समस्या रहेगी। आज पैसों के काम में आप सावधान रहे। क्या करें, पानी में 2 बूंद गुलाब जल डालकर नहाए। लव, आपके निजी जीवन में कोई बड़ी बात भी उलझ सकती है। शांति से किसी मामले को निपटा लें वरना परेशान हो सकते हैं। अपना मूड ठीक करें। समस्याओं पर सीधी लेकिन सकारात्मक बात करें। करियर, साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा होने के योग है। हल्के विषयों की पढ़ाई में मन लगेगा। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ, सेहत के मामले में दिन ठीक रहेगा। धनु, पॉजिटिव, किसी खास काम के पूरा होने की उम्मीद है। दिन सामान्य रहेगा। आज सबसे पहले उधारी चुका दे। पैसों का निवेश इस तरह कर दें जिससे भविष्य में आपको फायदा हो सके। निवास को लेकर नई शुरुआत का मन बना सकते हैं। मकान बदलना चाहते हैं तो कोशिश शुरू कर दें। परिवार के लोगों और प्रेमी जनों के संबंध मधुर होंगे। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए आपकी सलाह ली जा सकती है। नेगेटिव, पैसों को लेकर टेंशन बढ़ सकता है। लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। आपको ट्रेवलिंग में परेशानी हो सकती है। कुछ वस्तुएं आप भूल भी सकते हैं। शारीरिक तथा मानसिक तनाव रहेगा। कल्पना में खोने से सुस्ती रहेगी। दोस्तों और भाइयों से समय पर मदद नहीं मिलने से कुछ खास काम अधूरे रह सकते हैं। क्या करें, पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पिए। लव, आप ज्यादा ही संवेदनशील रहेंगे। किसी की बात को गलत समझ सकते हैं। खुद पर नियंत्रण रखें। समस्या पर किसी से बात करें। करियर, कोई बड़ा या जोखिम भरा फैसला लेने से बचें। मेहनत से सफलता तो मिलेगी लेकिन हो सकता है मेहनत के लिहाज से फल थोड़ा कम ही मिले। हेल्थ, एसिडिटी से भी परेशानी हो सकती है, सावधान रहे। मकर, पॉजिटिव, करियर में अच्छे खासे बदलाव होने की संभावना है। आपको जो भी अनुभव मिला है आज आप उसका उपयोग अपने निजी जीवन में कर सकते हैं। नजदीकी लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत हो सकती है।
आप सारे मामले सुलझाने में सफल रहेंगे। पैसों के मामलों में आप चतुर साबित होंगे। नेगेटिव, बिजनेस में पैसों को लेकर गड़बड़ हो सकती है। नौकरी या बिजनेस में कोई राज की बात उजागर होने की संभावना है। लोग आपसे अजीब व्यवहार करेंगे। एक बार में एक से ज्यादा काम हाथ में ना लें, अन्यथा खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आज के कामों को लेकर आपकी प्लानिंग कमजोर रहेगी। कर्मचारियों से समस्या हो सकती है। रोगों के कारण आत्मविश्वास कम हो सकता है। आपको ज्यादा व्यावहारिक होने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करें? बारूं गम गणपतये नम मंत्र बोले। लव, अकेलापन महसूस कर सकते हैं। पार्टनर के लिए पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें, ना ही किसी नए संबंध की ओर बढ़े। करियर ऑफिस में दिन आपके लिए ठीक रहेगा। परेशानियां खत्म हो सकती है। कानूनी विषयों से जुड़े स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। इस राशि के कुछ स्टूडेंट्स फालतू कामों में पढ़कर खुद का टाइम भी खराब कर सकते हैं। हेल्थ, पुराने रोग फिर उभर सकते हैं। सावधान रहे। कुंभ, पॉजिटिव, पैसों से जुड़े कई मामले आपके सामने हो सकते हैं। कई तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। आज आप कुछ मामलों में सही फैसले करेंगे और सही समय पर सही कदम भी उठा सकते हैं। राजनीतिक मामलों में सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस प्ले से और बढ़ भी सकता है। बिजनेस में नए क्षेत्र में प्रवेश का मौका मिल सकता है। आपके लिए निवेश भी फायदेमंद रहेगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कोई ऐसी खबर भी आपको मिल सकती है। दलाली के कामों में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है। नेगेटिव, कोई बकाया बिल भरना पड़ेगा। सावधान रहे। कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। आपको कुछ कामों में परेशानी भी रहेगी। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। दोस्तों और प्रेमी जनों के साथ कोई अनबन होती है तो उसे विनम्रता से सुलझाने की कोशिश करें। मन में पुराने डर और चिंताएं रहेंगी, उन्हें हावी ना होने दें। करियर में आपके तेवर आक्रामक हो सकते हैं। इससे किसी तरह का नुकसान होने का डर रहेगा। क्या करें? अनाथालय या किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान दें। लव, अपने पार्टनर के प्रति प्यार रहेगा। आपके लिए प्रेम के आदर्श सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। करियर, बिजनेस में नए क्षेत्र में प्रवेश के मौके मिल सकते हैं। निवेश फायदेमंद रहेगा। पदोन्नति के समाचार मिल सकता है। स्टूडेंट्स कुछ मामलों में परेशान भी रहेंगे, कुछ निराश भी होंगे। हेल्थ, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलेगी। मीन, पॉजिटिव, मीन राशि वालों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है। नई बातें भी सीखेंगे। कामकाज को लेकर आपके दिमाग में नए विचार आ सकते हैं। नए विचार और तरीके आपको ज्यादा फायदा देंगे। कला, साहित्य और संगीत में रुचि बढ़ सकती है। सेहत के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रहेगा। नेगेटिव, गोचर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा होने से आपकी दौड़ भाग बढ़ सकती है। गुस्सा भी आएगा, जिससे कुछ काम बिगड़ सकते हैं। खास मामलों में जोखिम लेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। फालतू खर्चा होने की भी संभावना है। किसी खास काम को अकेले निपटाने की कोशिश करेंगे तो कोई अच्छा खासा मौका छूट भी सकता है। राजनीति और धन से जुड़े मामलों पर किसी के साथ भस में न उलझे। फालतू दौड़ भाग भी करनी पड़ सकती है। क्या करें? रुपये का सिक्का किसी नदी या तालाब में डालें। लव, पार्टनर का ध्यान आप पर रहेगा। कुछ संबंधों में बदलाव की इच्छा भी रहेगी। आप नए प्रेम संबंधों को स्थगित कर पुराने संबंधों पर फिर से ध्यान देंगे। करियर, लेन देन में हिसाब किताब रखें। तनाव बढ़ सकता है। रटने और इंटरव्यू देने के लिहाज से दिन ठीक ठीक ही रहेगा। हेल्थ, सेहत के लिहाज आपको संभल कर रहना होगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है।